हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल KGN ऑटो रिपेयर सेंटर में। तो दोस्तों, आज हमारे पास एक बजाज गाड़ी आया है और जिसका प्रॉब्लम ये है कि क्लच उसका बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है और गाड़ी को न्यूट्रल करने के बाद भी गियर में ही रह रहा है। तो जैसा कि आप अभी देख पा रहे हो, गाड़ी को न्यूट्रल में करके आए हैं लेकिन फिर भी चक्का घूम नहीं रहा, इसका मतलब है गाड़ी अभी भी गियर में ही है। और एक बार क्लच को भी चेक कर लेते हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि कितना हार्ड है क्लच। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। तो बस आप वीडियो में बने रहिए अंत तक, बीच में कट करके मत निकलिए, अगर कट करके निकल जाएंगे फिर आपको समझ में नहीं आएगी और इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, ये जो तार और वायर जो आपको दिख रहा है ना, क्लच केबल या फिर वो जो आउटर के साथ आते हैं वो वाला नहीं है, ये अलग से लगाए हुए हैं और बजाज में अलग से लगाए हुए तार चलते नहीं है, ये सिर्फ प्याजो में ही चलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये गलती नहीं करना है, अगर क्लच केबल अगर टूट गया है तो कोई बात नहीं, आप आउटर के साथ ही चेंज करें और बजाज का ओरिजिनल ही लगाएं, नहीं तो आपको भी ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई ना कि जो क्लच केबल है ना वो आउटर के साथ ही जाम हो चुका है, इसी के कारण क्लच इतना हार्ड हो गया है और गाड़ी को न्यूट्रल करने के बाद भी गाड़ी न्यूट्रल नहीं हो रही है, गियर में ही रह रही है, क्योंकि क्लच तो हमारे काम कर नहीं रहे। तो दोस्तों, अब क्या करनी है ना कि क्लच केबल को ना चेंज करनी है, और चेंज भी करनी है तो बजाज का ओरिजिनल केबल ही लगानी है इसमें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये क्लच केबल को खोल के निकालना होगा और इसको निकालने के लिए हमें 14 नंबर इंच की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए फिर नट को खोल के इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो क्लच केबल को तो पीछे की तरफ से खोल के निकाल दिए हैं, अब चलते हैं आगे की तरफ और क्लच लीवर से क्लच केबल को खोल के निकालते हैं। क्लच लीवर को खोलने के लिए ऊपर से आपको स्क्रू ड्राइवर से पकड़ के रखना पड़ेगा और नीचे से 10 नंबर रिंच से 10 नंबर नट को खोलने का है, तब खुलेगा। क्लच लीवर तो खुल चुका है, अब उसके बाद तार को खींच के इसमें से बाहर निकाल लेंगे और अब हमें आउटर को बाहर निकालना है। तो आउटर को बाहर निकालने के लिए दोस्तों, पहले तो आपको यहाँ से इस तरीके से बाहर निकाल देना है, उसके बाद दोस्तों चलना है नीचे की तरफ और नीचे की तरफ जाने के बाद ये देखिए यहाँ पे ये क्लैंप में फंसा हुआ है, तो इसको यहाँ से निकाल देना है। अब क्या करना है ना दोस्तों, ये पुराना वाला आउटर में ना नया वाला आउटर को बांध देंगे, उसके बाद उसको ऊपर की ओर खींचेंगे, उससे क्या होगा ना कि हमारा काम जो है वो ईजिली हो जाएगा। तो ये रहा हमारा नया क्लच केबल जिसका दाम है 524 रुपया और इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है 10/2022, तो ये रिसेंटली का ही है। तो दोस्तों, अब आप देखते रहिए इसे कि किस तरीके से क्लच केबल को लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्लच केबल को प्लास्टिक से फाड़ के निकाल लिया गया है, अब आपको कोई सा छोटा सा तार लेना है जो कि पुराना वाला क्लच केबल में नया वाला क्लच केबल बांध के उसके बाद आगे की तरफ खींचने के लिए। लेकिन उससे पहले ना दोस्तों, ये पुराना वाला आउटर है ना उसको थोड़ा काट के छोटा कर लेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा है तो ज़्यादा खींचना पड़ेगा, इसलिए यहाँ से काट के इसको छोटा कर लेंगे। आउटर के काट के छोटा करने के बाद फिर यहाँ पे ना प्लास से थोड़ा दाग दे देंगे ताकि जो इसमें हम तार को बांधे ना तो वो स्लिप ना करे, और उसके बाद नया वाला आउटर को इसमें बांध के उसके बाद आगे की तरफ की हम खींचेंगे। तो तार को तो बांध दिया यहाँ पे, उसके बाद अब नया वाला क्लच केबल को इसमें बांधेंगे, उसके बाद केबल को फिर ऊपर खींचेंगे। इतना तो हो गया, अब उसके बाद एक आदमी को ऊपर जाके ऊपर से खींचना पड़ेगा और एक आदमी को नीचे से देना पड़ेगा ताकि ऊपर खींचा सके सही तरीके से, नहीं तो ये यहाँ पे फंस जाएगा तो फिर नहीं खींचा पाएगा। तो दोस्तों, केबल को ना धीरे धीरे खींचने का है, झटके मार के खींचना नहीं है, नहीं तो केबल ऊपर नहीं आएगा, बीच में ही फंस जाएगा, इसे अच्छा है कि उसे स्लोली स्लोली खींचे और पूरा केबल ऊपर खींच ले। तो
तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो केबल फंस गया है, ऊपर की ओर नहीं खिंचा पा रहा है। तो दोस्तों फंसा कहाँ पे है ना, ये जो मुंह है ना जहाँ पे सब केबल गया हुआ है वहीं पे आके फंस गया है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, जो पुराना वाला आउटर है ना उसको खोल के उसमें से निकाल देंगे और नया वाला आउटर को स्कोप की मदद से खींच लेंगे, क्योंकि ये मुँह पे ही आके फंसा है। और हम दोस्तों यहाँ पे साइकिल का स्कोप को यूज़ कर रहे हैं खींचने के लिए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि हमारा केबल मिल चुका है, तो अब इसे ऊपर की ओर खींच लेंगे। उसके बाद इसमें जो तार बांधा हुआ है ना उसको खोल के इसमें से निकाल देंगे। और अब इसको नीचे से ऊपर की ओर निकाल लेंगे। दोस्तों केबल को नीचे से ऊपर की ओर निकालते वक्त एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि केबल ना इसके अंदर से ही ऊपर निकाले। और अब क्लच केबल को क्लच लीवर में लगाएंगे, उसके बाद लीवर को हैंडल में टाइट कर देंगे। उसके बाद लीवर के पास का केबल को सही तरीके से बैठा देंगे, फिर लीवर को नट बोल्ट से फुल्ली टाइट कर देंगे। तो आगे की तरफ पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब चलते हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ तक तो क्लच केबल को लगा दिए थे, अब उसके बाद आगे इंजन की तरफ लेके जाएंगे। तो आप देखते रहिए कि कहाँ कहाँ केबल को फंसाया जा रहा है, उसके बाद इंजन के पास लेके जाया जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि क्लच केबल को कहाँ कहाँ फंसाया गया है, उसके बाद यहाँ तक आ गया है। अब हम इसको इसमें टाइट करेंगे। तो जैसे स्टार्टिंग में खोले थे ना 14 नंबर इंच से, फिर वापस वहीं पे टाइट करेंगे 14 नंबर इंच से, और उसके बाद इसको मक्खी में लगा देंगे और टाइट भी कर देंगे। इसको टाइट करने के बाद फिर एक बार क्लच दबा के चेक कर लेंगे कि सही है कि नहीं। उसके बाद एक बार गियर भी लगा के चेक कर लेंगे सही है या नहीं। तो हमारे यहाँ पे सब ठीक है, तो हम इसी के साथ चलते हैं, फिर जितना पे है उतने पे इसको फुल्ली टाइट कर देते हैं। अगर आपको ज़्यादा लूज या टाइट लग रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब एक बार क्लच लीवर को भी चेक कर लेते हैं, तो देखिए कितना फ्री है, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अब एक बार न्यूट्रल करके चक्का को चेक कर लेते हैं, तो देखिए कितना फ्री घूम रहा है ये। और उसके बाद अब एक बार गियर में डाल के भी चक्का को चेक कर लेते हैं, तो देखिए ये गियर में लग गया। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारा गाड़ी का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुकी है। गाड़ी को अब नीचे गिरा लेंगे। अब एक बार चालू करके भी चेक कर लेते हैं कि जो हम सब प्रॉब्लम को सॉल्व किए हैं वो सॉल्व हुआ है या नहीं। तो चलिए फिर एक बार अब चेक कर लेते हैं चालू करके गाड़ी को। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख ही लिए कि हमारा काम जो था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको लगता है किसी और को भी हेल्प करनी चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।